अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? 1125 रुपए से 1200 रुपए में। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो जहां आपको 485 रुपए में दोनों चीजें मिल जाती थी, आज 1125 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। कौन खरीदेगा? अरे इनके उद्योगपति दोस्त आपके घर आके आपके लिए सिलेंडर खरीदेंगे? जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खत्म कर दिया। नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। उसमें ना आरक्षण मिलेगा और ना रोजगार मिलेगा। आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है। डीजल में जीएसटी, पेट्रोल में जीएसटी, खाद महंगी, सब चीज महंगा, गुजारा नहीं हो रहा किसानों का। और तीसरी जगह जहां से रोजगार बनते थे, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकानें, छोटे उद्योग जो हर जगह, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में होते थे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, वो भी बंद हो रहे हैं सारे। तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता। आज बघेल जी ने कहा कि यहां पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहां पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहां छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 1200 1400 का दाम क्यों मिल रहा है? फिर अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे, क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं आपने भरे ही नहीं।